नमस्कार, मैं सोनम। इस वक्त आपको ये सीधी तस्वीरें दिखा रही हूँ हरियाणा के करनाल के जिला सचिवालय से। आप देख सकते हैं कि तमाम परिवार के लोग, जी हाँ, किस तरीके से जो है सरपंच, जी हाँ, गांव का सरपंच जो है किस तरीके से एक चाल के थ्रू जो है उनको मार दिया जाता है। आप ये लाइव तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। यहाँ पर जो है पुलिस बल भी तैनात है और फैमिली के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप लाइव तस्वीरों के माध्यम से जो है देख सकते हैं। और आज जो है ये परिवार के लोग जो है एसपी सर से जो है मिलने के लिए आए हुए हैं। काफ़ी गुस्से में भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, क्योंकि काफ़ी दिन का समय जो है इनके द्वारा हो चुका है। तो आप लाइव तस्वीरों के माध्यम से जो है देख पा रहे हैं किस तरीके से जो है एसपी सर से मिलने के लिए यहाँ पर परिवार के लोग जो है मौजूद हुए हैं। आप चले जाओ, जो मेन मेन है। हाँ जी, दस तो आदमी भी है जी, कई बार भी सारे थोड़ा पास कर रहे हैं। बात तो पांच दो ही आदमी कराए, पास करेंगे, दस करेंगे, सारे बोलेंगे, सारे बात करेंगे, सर कम सारे कुछ नहीं जान दे रहे। रिक्वेस्ट है मेरी, हाथ जोड़ का सुन लो विनती मेरी, हम पुलिस बात 10 बार मिली है जी, ठीक है जी। पर आज हमने एसपी साहब या तो यहां बुला दो, हम सारे नहीं बैठे यहां भाई, या संख्या तो नहीं, कैमरे दिखा ही रहे हैं अंदर। हां, बुला दो फिर, हम बैठ जाओ सारे। क्या कह रहे एसपी साहब से मिलने का? बिल्कुल मिलना है, या तो नीचे बुला दो जी। 10 मिनट रुको, क्या कह रहे हैं? कोई बात, 10 मिनट ले लो। ये कितने लोगों को मिलने के लिए आए हैं? ये कह रहे 10 आदमी सिर्फ, 10 आदमी से। पहले भी आप कह रहे कई बार मुलाकात हो चुकी है भाई साहब। मैं भी पहले हम 32-33 थाने में, आप भी उधर आप कवरेज करी आपने जी, ठीक है। उसने हमारे पास आश्वासन दिया, हमने विश्वास करा। मैं कोई बात नहीं सर, ठीक है, हमने आप पे विश्वास है, आप कार्रवाई करोगे, ठीक है। आज उससे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मांगी, कहता तक साइन नहीं हुए, 6 दिन हो गए साइन नहीं हुए पोस्टमार्टम के। कितने दिन हो गए? 6 दिन हो गए आज। मर्डर हो रहा है भाई साहब, पूछा तो कहते हैं हमने CA2 में ट्रांसफर कर दिया केस, CA2 में कहते कर दिया। हम तो सारे मिलेंगे जी। अरे आज एक भाई साहब, मैं आज आपके माध्यम से एक चीज कहना चाहता हूँ, एक मिनट, मैं आपके माध्यम से एक चीज कहना चाहता हूँ। मैं संडे को रोड जाम करूंगा, कम से कम 2,500 आदमी लेके, कम से कम 2,000 आदमी लेके रोड ब्लॉक करूंगा नेशनल हाईवे। आज जो संडे तक कार्रवाई नहीं हुई तो नहीं कार्रवाई करी गई तो संडे को पोस्टमार्टम हुआ था, पुलिस ने कहा था कि आरोपी को गिरफ्तार कर लेंगे। बिल्कुल, कितनी गिरफ्तारी हुई? कुछ नहीं हुई जी। मैं आपने किसी पे शक जताया? किसी पे कुछ भी नहीं जी। आपने 302 रखा, नाम दे रखे सर, नाम दे रखे, नाम दे रखे, सत्यता रखे, शक है आपके ऊपर, आशा का आपको बड़ा नाम दे रखे, नाम दिए गए हैं। चार लोगों ने नाम दिया, उनके हत्या हुए, हम कह रहे हैं उनके हत्या हुए। यदि करने वाले जो जिन्होंने हत्या किया है वो फरार हो जाते हैं, विदेश कहीं चले जाते हैं, तब पुलिस उनको पकड़ेगी, तब इंक्वायरी करेगी पुलिस, जब भी सुनेगी प्रशासन कोई तो पहुंच जाएगा। हां जी, क्या तो जरूर आप लाइव तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। यहाँ पर जो है ये जो फैमिली के लोग हैं मौजूद हुए, किस तरीके से जगबीर को जो है मार दिया जाता था और किस तरीके से जो है अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होती है। आप देख सकते हैं लाइव तस्वीर के माध्यम से, यहाँ पर जो है पुलिस बल भी तैनात है और यहाँ पर जो है परिवार के लोग, जी हाँ, फैमिली के लोग भी यहाँ पर जो है मौजूद है। देखिए, 5 की जगह 10 की दे दो परमिशन, परिवार में दुख है, 10 चले जाएंगे, अभी कह रहे थे, पर एसपी साहब से मिलके अपनी बात तो रखना चाहते हैं। हाँ, वो कह रहे 10 आदमी चले जाएंगे, 10 आदमी चले जाओ। देखिए, 6 दिन हो चुके हैं, अभी तक आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए हैं, CCTV फुटेज पुलिस के द्वारा खंगाली नहीं गई है। तो कप्तान महोदय से हम ये प्रार्थना करना चाहते हैं कि जो करण विहार या आसपास के एरिया की जो फुटेज है उस फुटेज को खंगालिए और जो भी गाड़ी है इन्होंने एक स्विफ्ट देखी है उस स्विफ्ट का पता लगा के उसको एक जरा तफ्तीश करें, उनसे मामले को गहराई से जांचें, क्योंकि छोटा मामला नहीं है। अगर कहीं परिवार जन या रिश्तेदार रोड जाम करने का फैसला ले लेते हैं तो वो भी जनता के लिए ठीक नहीं है। अगर बात करें तो मामला हत्या का दर्ज कर लिया गया पुलिस द्वारा? देखिए, दर्ज करने से ये तो मामला हल तो नहीं हो रहा है, जब तक आरोपी नहीं पकड़े जाते हैं तब तक मामला दर्ज करने को बेनिफिट नहीं होता। तो जैसा कि परिजन कह रहे हैं कि हम रोड जाम कर देंगे तो क्या उससे सलूशन निकल पाएगा? देखिए, परिवार रोड जाम को ही नहीं करना चाहता है,
पर छह दिन बीत चुके हैं, संडे तक नौ दिन बीत जाएंगे, तो नौ दिन के बाद अगर कोई ये डिसीजन परिवार वाले लेते हैं तो देखिए वो उनका अपना फैसला है, क्योंकि दुख में आता हुआ व्यक्ति है कोई ना कोई तो फैसले लेता है, और रोड जाम करने से फैसला निकलेगा या नहीं निकलेगा ये प्रशासन को तय करना होगा। अगर उससे पहले ही वीडियो फुटेज को खंगाल लिया जाए और उन आरोपियों को पकड़ लिया जाए या जांच की जाए तो ये मामला गुत्थी सुलझ सकती है। जी कितने दिन हो चुके अभी तक? छठा दिन बता रहे हैं सर, छह दिन। किसी की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। देखिए एक्सीडेंट का मामला अभी दर्ज हुआ है, तो उसके अंदर क्या है कि एक वीडियो से हमने इन्होंने निकाली है फुटेज, तो उसमें एक स्विफ्ट गाड़ी दिखाई दे रही है जो आदमियों से लैस और काफी दूर तक वो पीछा कर रही है, तो उस गाड़ी की भी पहचान कप्तान महोदय को करवानी चाहिए और इस मामले को सीरियस ले लेना चाहिए। और जितनी भी कॉलोनियों में कैमरे लगे हुए हैं उनको नोटिस देके उनके DVR को उनको लेना चाहिए और उनकी फुटेज को कलेक्ट करके और एक SIT गठित करके इस मामले को तुरंत प्रभाव से सुलझाना चाहिए। अमित जी, सरपंच जगबीर के परिजन अभी आरोप लगाते हुए नजर आए कि जैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट मांगी गई तो अभी तक उस पर साइन नहीं किए गए। देखिए ये भी एक बहुत बड़ी बात है, पोस्टमार्टम उसी दिन हो गया तो साइन उसी दिन होने चाहिए। अभी छह दिन तक परिवारजनों को रिपोर्ट नहीं दी जा रही है और उस पर सिग्नेचर नहीं हो रही है, बहाने बनाए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मामला उलझता हुआ नजर आ रहा है। इससे कहीं ना कहीं फिर पुलिस के ऊपर फिर से सवालिया निशान खड़े होते हैं कि कहीं ना कहीं पुलिस इस मामले को ढील क्यों दे रही है। क्या बड़े बड़े हत्या ग्रुप जो हो रहे हैं आज के दिन करनाल के अंदर, लो एंड ऑर्डर इतना खराब हो रहा है, डेली हत्या ही हो रही है, अफरीदाबाद के अंदर DSP साहब की हत्या कर दी गई है, तो आरोपियों को किस तरीके से अगर इस संरक्षण मिलता रहा और ढील छोड़ती है तो पता नहीं वो नेपाल भाग जाएंगे, कहीं और निकल जाएंगे। तो कप्तान महोदय से गुजारिश है कि वो जल्द से जल्द इस मामले को सीरियस लेते हुए इस काम को करें। उन्होंने कई मामले पहले भी सुलझाए हैं ऐसे, तो वो इसको भी थोड़ा गहनता से जांच करें। तो आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरों के माध्यम से किस तरीके से जगबीर जो कि गांव का सरपंच था, आप देख सकते हैं परिवार के लोग यहां पर मौजूद है, काफी ज्यादा परेशान परिवार के लोग यहां पर मौजूद है और कहीं ना कहीं ये यहां पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमारे द्वारा जो है रोड जाम कर दिया जाएगा, जिसके कारण जो है हमें फिर पता चलेगा कि प्रशासन हमारी बात सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, क्योंकि काफ़ी दिन से परेशान, क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जिस दिन आ जाती है उसी दिन जो है सिग्नेचर नहीं करवाए जाते हैं। हालांकि थाना 3233 में जो है सुलझाव कर दिया गया था, इस बात का जो है आश्वासन दे दिया गया था कि आपके लिए कोई कार्रवाई कर दी जाएगी, लेकिन परिवार के लोग पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है जो कि यहाँ पर पहुँचे हैं और रोड जाम करने की मांग कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर जो है फैसला जो है सही तरीके से जो है ले लेना चाहिए और जो भी कार्रवाई जायज़ बनती है, जो भी बनता है कि कार्रवाई करनी चाहिए वो फिलहाल होनी चाहिए। आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरों के माध्यम से परिवार के लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान यहाँ पर हताश खड़े हुए हैं नज़र आ रहे हैं और बार बार यही अपील करते हैं कि हमारे परिवार के सदस्यों को जिस तरीके से जो है मारा गया उसके आरोपियों को जो है सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि जिन लोगों ने उनको बुलाया था उन्होंने जो है बर्थडे पार्टी का बहाना करके बुलाया गया था, ऐसा परिवार के लोगों का कहना, और किस तरीके से जो है बर्थडे भी नहीं होता है और पार्टी का नाम देकर किस तरीके से बुलाया जाता है और शिफ्ट गाड़ी, जी हाँ शिफ्ट गाड़ी की फोटेज सामने आई है किस तरीके से उसने लगातार जो है पीछा किया है उनका, और उसके बाद जो है उनकी एक्सीडेंट का मामला फिलहाल बताया गया था लेकिन जो है मर्डर किया गया है ऐसा परिवार का इल्ज़ाम है। तो आप लोगों से अपील है इनके सहयोग के लिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिए ताकि इन लोगों को इंसाफ मिल सके और कोई भी ऐसी स्थिति पैदा ना हो जिसके कारण जो है रोड जाम करने की जो सिचुएशन है वो बन जाए। तो प्रशासन से भी रिक्वेस्ट रहेगी कि वो भी अपना पक्ष जरूर रखे इस मामले में और इनके लिए जो है कोई ना कोई उचित कार्रवाई जरूर करें। आप लोगों से अपील, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल वॉइस ऑफ द सिटी में मेरे अनुसरम के साथ कैमरामैन प्रवीण के साथ। इस वीडियो को शेयर करके इन लोगों का सहयोग कीजिए और लेटेस्ट अपडेट के लिए अगर आपको लेटेस्ट अपडेट चाहिए तो हमारे चैनल को अभी के अभी फॉलो जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।